हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक स्टार्टर का इंस्पेक्शन करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, हमारे पास एक ये छोटा सा पैनल लगा हुआ है, देख सकते हैं ये तीन फ्यूज़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए लगा रखा हमने खेतों के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका, ये कैसे है। ये सेमी जो मैनुअल स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा, वो वाला है ये। इसके यहाँ पे ये कुछ एक स्टार के लिए बटन है, डेल्टा के लिए और स्टॉप के लिए बटन है, ये तीन बटन है इसके। यहाँ पे ये डिजिटल मीटर लगा रखा है, वोल्ट मीटर और एम मीटर। यहाँ पे हमारी वोल्टेज आएगी, कितनी वोल्टेज चल रही है, और यहाँ पे हमारा करंट चलेगा, कितना एम्पियर हमारी मोटर करंट ले रही है। ठीक है, और ये यहाँ से हम इसको वोल्टेज को सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब कि अलग अलग फेज के अंदर कितना क्या है। ठीक है, यहाँ से हम एम मीटर के लिए, और ये हमारे तीन इंडिकेटर हैं भी। ठीक है, तीन इंडिकेटर है, तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं बेसिकली। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर की, इसका वायरिंग डायग्राम है इसके अंदर। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब समझ में नहीं आएगा। मैं आपको लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं तीन कॉन्टेक्टर लगा रखे हैं। ये कॉन्टेक्टर हमारा मेन है, और ये हमारा स्टार का है, ये हमारा डेल्टा का है, ये अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारी ओवरलोड रिले है। ठीक है, और वो एक कॉर्नर में हमारा ट्रांसफार्मर लगा रखा है नीचे, उसके ऊपर हमारा टर्मिनल के लिए, केबल के लिए, कंट्रोल केबल के लिए एक टीवी लगा रखी है, कनेक्टर लगा रखी है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टार्टर। मैं एक बार आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये हमारी इनकमिंग सप्लाई आई हुई है तीन फेज ट्रांसफार्मर से, मतलब कि खेत में है तो सीधे डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से जाती है यहाँ पे। ठीक है, यह फ्यूज़ लगा दिए हमने, किटकैट फ्यूज़ है ये। तो ये तीन फेज इनकमर आ गई है, उसके बाद हमारी ये सप्लाई ओवरलोड, मतलब जो हमारी होती है ओवरलोड रिले में आ गई है। ठीक है, ओवरलोड रिले से हमारी स्टार्टर के अंदर पावर, ठीक है, उसके बाद हमारी दो केबल निकलती हैं स्टार डेल्टा के लिए, एक ये मेन से निकल जाती है और एक हमारी ये डेल्टा से। ठीक है, तो ये दोनों वायर हमारी, जो छह वायर निकल गई, मतलब कि तीन इसकी और तीन इसकी, ये हमारी मोटर के अंदर कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम, ये था हमारा एग्रीकल्चर के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए सबमर्सिबल मोटर के लिए। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम कंट्रोल वायरिंग सब कुछ बनाएंगे, कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग कैसे करनी है। ये जस्ट एक कमेंट करके बताना आपको, अगर आपको चाहिए तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ओके, देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल बाइक इलेक्ट्रिकल। जय हिंद, वंदे मातरम।